अच्छा भैया की घरवाली पुलिस में है ना? कौन सी है? ये कवासिनी वाली कविता। अच्छा देखो दोस्तों, एक लड़का इंडियन आर्मी में है, एक लड़का यूपी पुलिस में है। ये हैं दोनों ये रहे। अच्छा ये है ये भैया आर्मी में है। हां जी। और ये यूपी पुलिस में है। अच्छा ये तो बाहर ही रहते होंगे ना? 11-12 साल से वहीं आए हो। अच्छा देखो दोस्तों ये रहा फोटो जी, ठीक है जी, इनका इनके जो बड़े अफसर है उनका फोटो है जी, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, किसान भाइयों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। और थारा भाई पहुंच गया भाइयों, कौन सा गांव भैया? कौन सा? रूपबास गांव में। और यहां पे भैया भैया नमस्कार, पहले नमस्कार। तो सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। नाम जाना चाहूंगा, शुभ नाम? रोहित। पिताजी का नाम भैया? आसपास से। ये मैं मकान देख रहा हूँ, नक्शे से बनवाया मेरे दिमाग से यही बनवा दिया। अच्छा, कुछ मिस्त्री का कुछ अपना दिमाग है तो थोड़ा दिखा सको भैया। तो दोस्तों चलते हैं अंदर साइड में, ठीक है जी। और ये साथ साथ भैया अपना किसान है, तो भैया खेती बाड़ी भी करते हो गांव में? अच्छा, ये आपकी मम्मी है? राम राम आंटी। देखो भाइयों, तो ये देखो भाई कितना बेहतरीन तरीके से बना रखा है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ जो मेरे किसान भाई अपने गाँव देहात के अंदर मकान बना हुआ है, जो अपने बड़े बुढ़ों की जमीन है उसको छोड़ के ना जावे। ये देखो भाई, ये आपके पापा जी हैं। नमस्कार अंकल जी, चुके हैं तो अंकल जी आपका नाम? यशपाल। पिताजी का नाम जी? बदले। अच्छा, ये जो मकान है नक्शे से बनवाया था दिमाग से जी? दिमाग से। अच्छा तो यहाँ पे खेती बाड़ी करो कैसे? अच्छा सर्विस करता हूँ। अच्छा साथ साथ सर्विस है, किस लाइन में अंकल जी? सफदरजंग हॉस्पिटल। अच्छा, थोड़ा दिखा सको हमारे किसान भाइयों को? हाँ बिल्कुल। आ जाओ भैया, गाड़ी खड़ी है, ठीक है जी। और ये सुंदर तू जाना का चच्चा करोंडा है, तो देख लो भाइयों, ठीक है भाइयों। और हम पहुँच चुके हैं जी, यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से मकान बना रखा है किसान भाइयों, ठीक है जी। और ये देखो भाइयों, इधर से बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये देखो भाई, इधर साइड में अंकल जी बैठे हैं क्या? तो दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं भाइयों, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। ये मेहमानों के लिए बैठक है, जैसे कोई मेहमान वगैरह आता है उसके लिए अलग से है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं भाइयों। तो अंकल जी आपके पिताजी क्या करते थे? खेती। वो भी किसान ही थे? अच्छा, तो आप बता रहे कौन सी लाइन में आप? मैं सफदरजंग हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में काम करते हो? अच्छा, लगभग बात करूँ ये जो मकान है लगभग कितने समय तैयार हुआ अंकल जी? 3-4 साल 5 साल लगे। अच्छा, देखो भाइयों, साथ साथ अपना गांव के अंदर खेती बाड़ी भी कर, मतलब जो सिंपली कर रहे। अच्छा, जैसे तुम्हारे पिताजी करते आए कभी हैं? तो देखो भाइयों, आज हम पहुंचे हैं इनके आवास पे और हम आपको दिखाएंगे, ऊपर से भी दिखाएंगे, ठीक है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे कमरे बहुत ही सुंदर तरीके से बना रखे हैं। ये देख लो भाइयों, और इधर से देखो भाई। तो आंटी तुम, तुम्हारा कौन सा गाँव है? शेरपुर। ये किंग बड़ा है जी? सिकंदराबाद। अच्छा, सिकंदराबाद की है आंटी जी। और देखो भाई, जिन्ना जिन्ना कितना बेहतरीन है जी। देखो भाई इसमें तो मतलब जब मिस्त्री लग रहे हो तो बाहर के तो बनाने वाले हैं, यहीं के थे जी? अच्छा, तो देखो भाई मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। ऊपर कमरे बना रखे क्या जी? दो कमरे ऊपर है। ये देखो भाई कितना बेहतरीन डिजाइन है जी, इधर से देख लो भाई। तो कितने लड़के जी आपके? दो बेटे। क्या करते हैं भैया? बड़ा जॉब करता। अच्छा, आ रही भैया? अच्छा, तो देखो भाइयों, और साथ साथ भैया अपना लगे हुए हैं, ठीक है जी। और हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे। ये देख लो भाइयों, इधर से, और ये देखो भाइयों छज्जे में डिजाइन, ठीक है जी। और साथ साथ भाइयों गांव के अंदर खेती बाड़ी भी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा भैया की घर वाली पुलिस में है ना? कौन सी है? अच्छा देखो दोस्तों, एक लड़का इंडियन आर्मी में है, एक लड़का यूपी पुलिस में है। ये हैं दोनों ये रहे। अच्छा, ये है ये भैया आर्मी में है? हां जी। और ये यूपी पुलिस में है? पुलिस में। अच्छा, ये तो बाहर ही रहते होंगे ना? 11-12 साल से वहीं आए हो। अच्छा, देखो दोस्तों ये रहा फोटो जी, ठीक है जी, इनका, इनके जो बड़े अफसर है उनका फोटो है जी, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, इधर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये कौन है जी, आपके पिताजी? ये पिताजी है, माताजी हैं जी। अच्छा, पिताजी तो बढ़िया लग रहे जी, तंदुरुस्ती तो बहुत, उस जमाने में तो बढ़िया होगी नहीं बब्बा जी की? हाँ जी। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर जोड़ी है, ठीक है जी। ये बिब्बी कहाँ से थी, कौन सा गांव था बिब्बी का? ये माँ जी। हाँ जी, ये प्रतापपुर है जी, ठाणी से परे। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं माँ जी। और खत्म हुई। अच्छा दोस्तों, आज मैं जैनपुर गांव में हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर जैसे कोई मेहमान वगैरह आता है उसके लिए अलग से ये बैठक में बनवा रखी है, जैसे कोई मेहमान आ जाता है, ठीक है जी। और ये देखो दोस्तों ऊपर से, इसमें गांव देहात में हारा होता है दूध वगैरह जमाने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे चूल्हा है जी, ठीक है जी। और ये आपके क्या है, चाचा जी का मकान? देखो भाई खिड़की यहाँ पे लगा रखी, इनके को चले जाओ, ये चाचा जी का मकान है जी। तो चलते एक बार आपको ऊपर से दिखाएंगे, आ जाइए। ये देखो दोस्तों, और हम आए हुए हैं तो हम आपको भैया का मकान पूरा कवरेज करके दिखाएंगे, ठीक है जी। उसके लिए काफ़ी मेहनत लग जाती है वीडियो में, ठीक है। ये देख लो भाई, तो भैया कितने लोग हैं फैमिली में? हम 5 मेंबर। अच्छा, ये
ये रसोई है, रसोई ये भैया का कमरा है जी। ये दोस्तों कितना सुंदर तो कमरा ही कमरा है, ठीक है। ये भैया आपकी शादी का फोटो है ना? हाँ। भैया की शादी का फोटो है जी। बंद है। अच्छा तो दोस्तों ये कमरा ये रहा, ठीक है जी। ये देख लो भाई, इसमें भी बेड है, देख लो दोस्तों कितना सुंदर कमरा है जी, ठीक है। ये आपके भैया का कमरा होगा ना? ये है ना भैया, ये आपके भैया है ना? दोस्तों ये इनका फैमिली फोटो है जी भैया का, ठीक है जी। किसान भाइयों में काफ़ी अच्छा लगा भैया की फैमिली से मिलकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोरा नस्ल की छुट्टी है जी। ये देखो भाइयों, ये इनके पशुधन है जी, ठीक है जी। 5 महीने की? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों टक्कर थोड़ी मारते हो क्या? अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों तो पल्ले वाली देखो कैसे टक्कर मारने के लिए बेताब है भाइयों, ठीक है जी, ठीक है जी। इधर साइड में कौन सा ट्रैक्टर है? महिंद्रा का, ये देखो भाई महिंद्रा का ट्रैक्टर है जी, छोटे वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों ये छोटा ट्रैक्टर है जी, और उधर साइड में भैया की बाइक है दो दो, ठीक है। देख सकते हैं आ चुके हैं ऊपर, ये जैनपुर गांव है। देखो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये पानी चला रहे हैं, और बढ़िया जी। अच्छा तो यहाँ पे एक कमरा है जी, ये देखो दोस्तों कितना बेहतरीन तो बैठ ही पड़ा। आज में चलते हैं ऊपर की साइड, पूरा गांव चमक जाए उसमें से। ये देखो दोस्तों काफ़ी मेहनत लग जाएगी वीडियो में, सर के ऊपर धूप है। तो छोटा सा गांव है भैया, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं, छोटा सा गांव दिखा है सारा। अच्छा अच्छा ये देख लो।